Welcome friends. In today's session, we study how to create worksheet, entering data and formatting different ideas. Okay. So first of thing, what is worksheet? Ye worksheet kya hota hai? To hum dekhte hain. Worksheet mein kaam karne ke liye hamare paas chahiye Microsoft Excel. कहते हैं वर्कशीट. ओके, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है. इसकी एक खासियत है कि ये जो शीट है, जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं या कुछ कुछ जैसे टाइम टेबल बनाते हैं या कुछ हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. अब यहाँ अगर हमें कुछ टाइप करना है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, हमें कुछ टाइम टेबल बनाना है, तो देखिए हम यहाँ बनाते हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. ओके, तो मैंने टाइप कर लिया. मैं सिर्फ ये सिलेक्ट कर लूंगा जितने भी, अगर ये जितने भी इसमें डेटा रहेगा, हम यहाँ ये देखिए ये बॉर्डर स्टाइल है, हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ओके, यहाँ इसको जैसे हम वर्ड में यूज़ किया था वैसे हम सेंटर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यह बोल्ड कर दिया. इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं. देन हमें जो भी डेटा डालना है, इसमें अगर हमने जैसे डाल दिया कि इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री. ओके, तो सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके आप सब फिल कर सकते हैं. अगर मुझे ये रो नहीं चाहिए, ये देखिए यहाँ में गया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया. अगर कुछ कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ मैंने राइट क्लिक किए, इंसर्ट किया. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर आप कैसे लिखते हैं. तो देखो ये ऊपर ए बी सी डी है. ओके, ये डिलीट करने के लिए, तो यहाँ ए बी सी डी है, 1 2 3 है. तो यहाँ हम हर एक सेल का कुछ नाम रहता है. अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एफ, और यहाँ है 10, तो इस सेल का नाम है F10. तो यहाँ सब सेल्स में काम होता है. ओके, अब इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हो. जो भी आपको स्टाइल देना है, आप कुछ स्टाइल चूज कर सकते हो, जैसे भी आपको कुछ करना ही. देखिए डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ सब एंट्री कर सकते हो. अब स्प्रेडशीट्स का या एक्सेल शीट का सबसे मेन यूज़ है कि कैलकुलेशंस के लिए. तो कैलकुलेशंस के लिए अगर कुछ, अभी ये तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, तो अगर वैसे ही मैंने अगर कोई मार्क्स के लिए कोई टेबल बनाते, देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, वो टेबल सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया. ओके, मैं यहाँ ये डिलीट कर देता हूँ. अगर यह मुझे कुछ मार्क्स डालने, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले मैं, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश. ओके, मैं इस सब को फॉर्मेटिंग ये देखिए फॉर्मेट पेंटर रहता है, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग है वैसे ही सबको आप लिख कॉपी करूँगा, और मैं इसके ऊपर ये सिर्फ मूव करूँगा, तो देखिए सेम स्टाइल हो गए. ये दो रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ. ओके, जैसे इसकी स्टाइल है मैं वैसे ही ये देखिए. तो एक स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स में मिलते हैं 90 मार्क्स, उसके बाद 89, उसके बाद 76, उसके बाद 65. इसको मैं फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, सेंटर फॉन्ट बढ़ाता है. तो किसी स्टूडेंट्स के अगर इसमें मार्क्स रहेंगे तो ये मार्क्स हो गए. सिंपली अगर मुझे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करने, जैसे कि कुछ एडिशन करना है, तो अगर इसको कितने टोटल मार्क्स मिले, तो ये देखिए मैंने सिर्फ एक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ नीचे तक आया गया. ये देखिए यहाँ ऑटो सम दिख रहा है, देखा, तो ये आ गया आंसर. ओके, तो ये इसकी टोटल है, तो टोटल मार्क्स 320 हो गए. इसकी खासियत ऐसी कि अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, तो मेरी जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती. ओके, एक बार मैंने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, सम का फॉर्मूला, तो ये सारी जगह पे अप्लाई हो जाता है. तो
ये बहुत ही बेसिक बात है, जैसे ही वर्ड में फॉर्मेटिंग होती है वैसे ही ये सब फॉर्मेटिंग के फीचर्स यहाँ है। उसके बाद आप जो चीज़ बॉर्डर चाहिए बॉर्डर के भी फीचर्स यहाँ है, आप अलग अलग टाइप की बॉर्डर भी यहाँ दे सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि हम कैसे स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ये सब यहाँ आएगा। फाइल को सेव करने के लिए फाइल सेव, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, इसको नाम देते हैं कुछ कैलकुलेशन और मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाके एक्सेल वर्कबुक सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया एक वर्कबुक। देखिए मैं ये पूरा काम सबसे पहले मैंने शीट वन में किया है, आपको चाहिए तो आप कितने भी शीट्स ऐड कर सकते हैं एक ही वर्कबुक में। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक है, हम आगे देखेंगे कि इसके एडवांस फीचर्स क्या है, हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।